It's Shah Rukh Khan, so it obviously had to be a hit and he's done really well like he always does. अभी शाहरुख खान की मूवी है, इतने सालों बाद आ रही है, शाहरुख खान नाम ही काफी है। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के, पूरा VFX एकदम मस्त है। आई थिंक इट्स वेल डिजर्व्ड, आई मीन सब कुछ है फिल्म में, एक्शन, देव गॉट द स्टार कास्ट, देव गॉट एवरीथिंग एंड अ लॉट ऑफ फन। इंडिया लव्स एंटरटेनमेंट एंड नो वन बेटर देन शाहरुख टू डू इट। अ मैन ऑफ स्पाइन इज लीडिंग द वे, ही लेट्स हिज वर्क टॉक, सो इंडिया नीड्स दैट, ब्रिंग इट ऑन। बहुत बड़ा टर्नओवर है, एक मामूली बात नहीं है किसी भी मूवी के लिए, ना मतलब सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, लाइक बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड मूवी के लिए भी लाइक छोटी बात नहीं ये चीज़ करना। शाहरुख खान की है ये चीज़, शाहरुख खान ही कर सकता है। बाकी सॉन्ग्स, एवरीथिंग, दी डायरेक्शन, दी लाइक होल व्यू इन दैट मूवी इज, इट लुक्स वेरी ह्यूज, वेरी फैंटास्टिक। हाँ श्योर, ही लुक्स रियली ग्रेट इन एनी रोल ही डज, नो मैटर व्हाट। अ मैन एट 58 परहैप्स और मोर विद दोज एब्स, आई डोंट नो व्हाट ही डज, बट हीरो माफिक एकदम लगता है, फुल पैसा वसूल। टेकिंग इट बैक फ्रॉम ओम शांति ओम से लेके अब तक है वो केमिस्ट्री, आई मीन आई लव्ड इट ऑनेस्टली, टू मच फन। अगर वो वापस अपने पुराने जमाने की रोमांटिक टाइप्स जा सकते हैं तो आदि सब लोग उसके लिए भी रुके हैं, बट हाँ आई थिंक एवरीथिंग सूट्स हिम। ऑफ कोर्स वो तो पहले से ही बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, वो तो उन्होंने तो थिएटर करके वो आया है मूवीज करने में, तो एक जो मेथड एक्टर एंड एक मास एक्टर की जो कॉम्बिनेशन है उनका, जो अपने चीज़ को जो परफेक्ट बनाता है, वो चीज़ है जो मतलब वो हर कोई स्टार नहीं कर पाता है, नहीं ट्राई करता है, वो उनका अटेम्प्ट वो हर चीज़ में रहता है, मतलब उनका एक वाइब वैसा है कि उनका अटेम्प्ट हर बार सक्सेस ही होता है। डेफिनेटली करनी चाहिए यार, शाहरुख खान इज़ ऑल्सो ए रोमांस किंग, बट उनको एक और नज़रिए से देखा जाए ताकि वो लोगों को बीच में आए, और इसमें जॉन अब्राहम है तो डेफिनेटली जहाँ जॉन होंगे वहाँ फाइट तो होगी। हाँ मुझे लगता है आई थिंक ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था जो यशराज का वो धूम से जो चला आ रहा है, मुझे लगता है वो एक्शन, फास्ट पेस एक्शन, और शाहरुख एंड सलमान ऑल पुट टुगेदर, इट्स अ ब्रिलियंट पैकेज एंड बहुत सेटिस्फाइंग है, अनबिलीवेबल लगता है लेकिन मज़ा आता है। आई मीन एट द एंड ऑफ द इट्स एंटरटेनमेंट दैट वी कम हियर फॉर, और आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को रोमांटिक फिल्म ज़्यादा करनी चाहिए, तो अभी जॉन अब्राहम और शाहरुख खान को दिखा हुआ, तो दैट्स साइज डिफरेंस हो गया बहुत ज़्यादा। आई थिंक डॉन जैसी मूवी ठीक है, लेकिन ये दिस इज टू मच ऑफ एक्शन फॉर शाहरुख खान टू। मूवी तो मैंने देखी नहीं है अभी तक, बाकी सॉन्ग्स में केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है, बेशरम रंग, पठान, जो हुक स्टेप है पठान का वो बहुत कैची हुक स्टेप है। अब तो ट्रेंड भी इतना हो रहा है कि हर कोई इंस्टा पे फीड करते टाइम 10 में से 6 पोस्ट तो पठान के सॉन्ग के ही है। दे रियली गुड, दे लुक गुड टुगेदर, आई मीन इट्स शाहरुख एंड इट्स दीपिका, दे बोथ लुक रियली गुड इंडिविजुअली एज वेल, सो इवन टुगेदर दे लुक रियली ब्यूटीफुल। It's really beautiful and I think they should do more movies together. शाहरुख दीपिका की केमिस्ट्री ऐसी है जैसे लैला मजनू की, क्योंकि दीपिका पादुकोण का जो नेम फेम शाहरुख खान ही दे सकता है, और शाहरुख खान के साथ एक कंपेटेबल इनका एक जोड़ी लगता है कि हाँ दे आर लुक सो फैबुलस टुगेदर। आई थिंक दे डोंट लुक गुड इन दिस मूवी, इन अदर मूवी आई थिंक दे लुक ग्रेट, बट ओवर हियर आई डोंट थिंक दे लुक गुड। दीपिका इज लुकिंग वे टू यंगर देन हिम एंड ऑब्वियसली गाने तो अमेजिंग है। It's on the top. अच्छे थे बैंगर्स, झूमे जो पठान मेरा फेवरेट है। गाने ठीक लगे मुझे, आई थिंक आई एम नॉट अ बिग दिस थिंग, मैंने इतना ध्यान से नहीं दिया, लेकिन गाने तो वाकई बहुत सुंदर है, और उससे अच्छा मुझे एक्शन अच्छी लगी, शाहरुख बहुत अच्छा लगा, सलमान बहुत अच्छा लगा, आर्टिस्ट बहुत अच्छे, आई मीन आई थिंक हम ऑ में सिर्फ उनको देख रहे थे। आई मीन ही हैज़ इनफ लॉयल फैंस एंड इट द फिल्म हैज़ ही इज़ डन रियली गुड, सो आई डोंट थिंक यू शुड अप्रिशिएट द आर्टिस्ट एज वेल। I am nobody to say, but yeah, we love you SRK. हिंदुस्तान एक फ्री एडवाइस वाली जगह है, आप जितना अच्छा कर लो फ्री फंड में श्रीखंड हमेशा मिलेगा, नेगेटिविटी भर भर के मिलेगी, लेकिन उस नेगेटिविटी से दूर रहना और अपने आप को पॉजिटिव होके चलते रहना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू सक्सेस एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग इन पठान। मुझे लगता है मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, देयर इज नो हिडन मैसेज इन द मूवी, सो इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट, थोड़े टाइम जाओ मूवी देखो एंजॉय एंड दैट्स इट। कि थोड़ा ईज अप हो जाए, हर एक चीज़ को बॉयकॉट करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा इतना भी सेंसिटिव ना बने, कुछ चीज़ें बनी हैं कुछ ऑडियंसेस के लिए तो उनके लिए रखी जाए। भाई जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहे, जो काम करने वाले हैं बस अपना काम अच्छे से करें, हमें मुझे तो यही लगता है, बिकॉज ये तो हर जगह चलता रहता है, बोलने वाले बोलते रहे, जिन्हें जो कहना है फाइनली सबके मुँह पर करारा थप्पड़ पड़ता है जब ऐसी फिल्में चल जाती है। और बहुत बड़ी बात है कि बॉलीवुड को जो लोग गाली दे रहे थे इतने सालों से, आई थिंक मुझे लगता है मुझे बहुत खुशी हुई दैट आई थिंक वी हैव हिट बैक एंड आई होप पीपल मेक lot more sensible movies
मूवीज विच वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन, ये तो कॉन्सेप्ट ड्रिवन नहीं है, दिस इज प्योर एक्शन, बट चली है वो भी. सो आई थिंक इट्स अ बिग मैसेज फॉर एवरीबॉडी दैट इफ यू मेक गुड कॉन्टेंट इट वर्क्स. जो बॉयकॉट गैंग चला रहे हैं, मेरा उनसे यही एक क्वेश्चन है कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप उसको मत करो जो मेहनत करके पहुँचा हुआ है. यार वो बंदा खुद पहुँचा हुआ है, अपन भी अपन जहाँ से बिलोंग करते हैं अपन गरीब है, अपन पहुँच जाए मेरा भी बॉयकॉट करोगे तो गलत है ना भाई. अपन भी जहाँ से आप बिलोंग करते हो मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, गांव के रहने वाला हूँ, मुंबई में आया हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, अब इस समय आप चक्कर में आप मेरा भी पहुँच जाऊँगा एक और बॉयकॉट करोगे तो भैया ये गलत है. इट डजंट गोज विद दैट बिकॉज लाइक आई हैव हर्ड अबाउट दिस लाइक यू नो दिस ब्लेम विच दे पुट ऑन दिस मूवी. वैसा तो कुछ था नहीं, लाइक मतलब इसमें कुछ था नहीं वैसा प्रेजेंट करने वाला, ना तो कुछ शोकेस करने जैसा है. एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड लाइक अब उतने से पार्ट के लिए वो तो ऐसे मूवीज, अब गाने का वाइब वैसा है, डायरेक्शन वैसा है, स्क्रिप्टिंग वैसी रही होगी, अब गाने का कॉस्ट्यूम वैसा है तो कॉस्ट्यूम तो वही वेयर करेंगे जो टीम ने प्रेफर किया है. अब उसमें शाहरुख खान का क्या टेक है या फिर किसी का भी क्या टेक है, वो तो एक जनरल पर्सपेक्टिव से है, किसी चीज़ को आप ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते इस छोटे से चीज़ की वजह से. वी लव यू, बॉलीवुड नीड्स यू, इंडिया नीड्स यू, एंड वी रियली प्राउड ऑफ हिम. वी लव यू, कीप डूइंग मूवीज. या सी यू. आई लव हिम, आई लव एसआरके, आई लव यू एंड आल्सो सलमान खान. आई लव सलमान खान आल्सो. वी ऑल लव हिम, वी आर बिग फैन ऑफ एसआरके. आई मीन ही इज अल्टीमेट, इज अ गॉड इन दिस कंट्री. शाहरुख खान को मेरा मैसेज यही है कि शाहरुख खान सर आई लव यू एंड वी लव यू आल्सो. You are the best. You will always be the best. He is very impromptu. Like उनके interviews, like जिस way से उन्होंने ये चीज़ को संभाला, उन्होंने जैसे response दिया लोगों को, एक चीज़ जो है वो सिर्फ मतलब वो है, मतलब it says like you आज एक जिस stage पे है वो एक reason की वजह से है. And like उस stage को उनको संभालना भी आता है, उनके haters को उनको जवाब देना भी आता है. And उन्होंने जो convert किया है उस चीज़ को, इस ब्लेम को जो ट्रेंड के हिसाब से कन्वर्ट किया है, वो हर कोई नहीं कर पाता है. वो शाहरुख खान है और वो तो बेस्ट है, उनकी फॉलोइंग उतनी है उनकी तो. हाँ बिल्कुल देखूंगी मैं पठान 2 के बारे में, बिल्कुल मैं आनी चाहिए. और पठान 2 में मुझे लॉन्च करो शाहरुख सर, यही मेरा एक विनती है. ऑनेस्टली इतना नहीं, पठान मूवी तक देख लूंगा, लेकिन पठान 2 आई डोंट थिंक आई विल वॉच पठान 2 विदाउट अ डाउट. हाँ देखने जाऊंगी. देखेंगे उसमें कौन कौन है. आई मीन हैज टू बी बिगर. I would love to see Hrithik. I would love to see the men swooning better looking women. Pathaan 2, Tiger, I think we are just waiting for all of that.